बना कौनो आखिर आखिर बना कौनो आखिर आखिर बना कौनो आखिर आखिर बना कौनो आखिर आखिर बना कौनो आखिर इमामे मोहम्मद बना कौनो शेर पर आप लोगों ने मुझे बहुत सारे नजराने से नवाजा है। जवाब मैं पूछ रहा हूं आपसे। नमाज़े जनाजा नमाज़े जनाजा नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी किसने नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी किसने नमाज़े जनाजा कुरान में साफ लिखा है। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन्होंने यह भी पढ़ा होगा कुल्लो नफ्सिन ज़ायकतुल मौत हर नफ्स यानी जानदार चीज को एक दिन मौत का मजा चखना है। बचेगा कोई नहीं सबको मौत का मजा चखना है। तो जब मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वक्त आखिर यानी आपके विसाल का वक्त आ गया और आप इस दुनिया से माबूदे हकीकी के पास जन्नत में तशरीफ ले गए तो सवाल यह है कि आप के जनाजे की नमाज का इमाम कौन बना किसने पढ़ाई ये मेरा सवाल है। सर एक बार और सुन लीजिएगा और बोलिए सुभान अल्लाह नमाज़े जनाजा नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी किसने नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी किसने नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी किसने विसाल हो गया आका का अल्लाह के हुक्म से मौला अली ने मेरे आका को गुस्ल दिया। गौर करें मेरी इन बातों पर। देखिए कव्वाली गाकर चले जाना अलग बात है लेकिन कव्वाली एक तबलीग है। अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए पेश किया जाए तो इससे लोगों की मालूमात में इजाफा भी होता है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जब आका का विसाल हो गया तो अल्लाह के हुक्म से मौला अली ने मेरे नबी को गुस्ल दिया और हजरत अली ही ने आका को कफन पहनाया अपने हाथों से। गुस्ल भी अली ने दिया कफन भी अली ने पहनाया। तीन दिन आपका जनाजा रखा रहा। लोग आते गए जैसे जैसे खबर मिलती गई पहले कुनबे के लोग फिर शहरे मदीना के लोग पुरबो जवार के लोग दूर दराज के लोग। हद ये है कि फरिश्ते भी नमाज जनाजा में शामिल लेकिन इमाम कोई नहीं बना। ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए। इमाम कोई नहीं बना क्योंकि जो खुद इमामुल अंबिया हो जिसने मेराज की रात मस्जिद अक्सा में अंबियाओं की इमामत फरमाई हो जो खुद इमामुल अंबिया हो उसका इमाम कौन बनता। सुभान अल्लाह। लोग जनाजे के सामने से गुजरते गए दुरूद पाक और दुआ पढ़ते हुए इमाम कोई नहीं बना। यह है सही जवाब इस सवाल का।
और मैं एक बार फिर इस शेर को सुना कर बस आखिरी शेर पढ़ूंगा। तवज्जो कैसे नमाज़े जनाजा, अब तो आप लोग समझ गए होंगे। नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी किसने, 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 बना कौन कोई नहीं, बना कौन कोई नहीं, बना कौन आखिर, बना कौन आखिर इमामे मोहम्मद, 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 बना कौन आखिर इमामे मोहम्मद। सुनिए साहब, वादे के मुताबिक आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। शेर तो माशाल्लाह सात आठ है इसमें, लेकिन वक्त को भी देखना है मुझे, कई कलाम पढ़ना है। आखिर में कहना है मेरा क्या, हुआ फतहा मक्का, ये भी तारीखी शेर है। हुआ फतहा मक्का तो सबने ये देखा, 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 हुआ फतहा मक्का तो सबने ये देखा। करम बन गया, करम बन गया, बन गया करम, बन गया, बन गया करम, बन गया इंतकामे मोहम्मद, करम बन गया इंतकामे मोहम्मद, करम बन गया इंतकामे मोहम्मद, करम बन गया फतह मक्का तो सबने ये देखा। जब शहर मक्का फतह हो गया तो आज मक्के के लोग डरे हुए हैं, न जाने मोहम्मद हमें क्या सजा दे। लेकिन कुर्बान जाइए दोनों आलम के ताजदार जनाबे अहमद मुख्तार, जिन्होंने सबको आम माफी दे दी। ऐ मक्के के लोगों, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुमने जिंदगी भर मेरे साथ जो भी किया, लेकिन आज शहरे मक्का फतह हो गया है, मैं तुम्हें कोई सजा देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं रहमतल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में आया हूँ, किसी को जहमत देने के लिए नहीं आया हूँ, सबके लिए रहमत बनकर आया हूँ। ये है मेरे नबी की शान। हुआ फतहा मक्का, हुआ फतहा मक्का तो सबने ये देखा, हुआ फतहा मक्का तो सबने ये देखा, हुआ फतहा मक्का तो सबने ये देखा, हुआ फतहा मक्का तो सबने ये देखा। क्या देखा, करम बन गया, बन गया करम, बन गया, बन गया करम, बन गया इंतकामे मोहम्मद, करम 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 बन गया Thank you.
انتقام محمد.